वाराणसी के लंबी स्थित सुभाष भवन में आज काशी धर्म परिषद की ओर से संतों की बैठक आयोजित की गई। बैठक में पातालपुरी मठ के महंत स्वामी बालकदास ने कहा कि ज्ञानवापी में शिवलिंग मिला है तो हमारे आराध्य देवता की पूजा नहीं करने दी जा रही है, फिर वहां नमाज क्यों पढ़ी जा रही है? जब पूजा करने पर प्रतिबंध है तो नमाज पर भी रोक लगाई जानी चाहिए। अगर वहाँ नमाज पढ़ी जाएगी तो हम पूजा की मांग करेंगे। बेहतर तो ये होगा कि जब तक अदालत का फैसला नहीं आ जाता तब तक ज्ञानवापी में हिंदुओं के साथ मुस्लिमों की आवाजाही पर भी प्रतिबंध लगा दिया जाए। महंत स्वामी बालकदास ने कहा है कि काशी धर्म परिषद की ओर से आयोजित बैठक में संत समाज अपने बीच के लोगों के साथ ही कानूनविदों और इतिहासकारों के साथ चर्चा कर रहा है। हम यहाँ उन्माद का माहौल तैयार नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम यहाँ चर्चा कर रहे हैं कि ज्ञानवापी की समस्या का सही और स्थायी समाधान क्या हो सकता है। हम यहाँ बाबा विश्वनाथ की नगरी में ध्वस्त किए गए ज्ञानवापी सहित अन्य मंदिरों को लेकर भी मंथन करेंगे। इस मंथन में संत समाज के लोगों के साथ सोशल वर्कर, इतिहासकार और समाज के प्रबुद्ध वर्ग के लोग भी मौजूद रहेंगे। काशी धर्म परिषद मुख्य रूप से संतों, महात्माओं, पूज्य मठाधीशों की बैठक थी ज्ञानवापी मंदिर को लेकर के। बार बार जो ज्ञानवापी मंदिर को मस्जिद कहा जा रहा है, इससे सनातन धर्म के लोगों को बहुत तकलीफ पहुंच रही है। और आज महंतों ने ये नेतृत्व किया और ये मांग किया कि जो आदि विश्वेश्वर नाथ मिल चुके हैं, ज्योतिर्लिंग मिल चुका है, तो उसकी पूजा अर्चना तत्काल शुरू कर देनी चाहिए। नमाज वहाँ तत्काल प्रतिबंधित किया जाना चाहिए। अगर हिंदू अपने विश्वेश्वर नाथ से नहीं मिल सकता तो फिर वहाँ पर मुस्लिमों का कोई अधिकार नहीं है। इसके साथ ही काशी विश्वनाथ मंदिर में जो नंदी जी महाराज हैं उनकी विशेष पूजा अर्चना का भी प्रावधान किया गया है। जो दलित समाज के लोग हैं वो बड़ी संख्या में नंदी महाराज का दर्शन करने के लिए काशी विश्वनाथ मंदिर में जाएंगे। 91 के कानून को रद्द करने की मांग की गई है और साथ ही एक नए कमीशन बनाने की मांग की गई है, जिससे हिंदुओं के तोड़े गए सभी धर्मस्थलों का एक बार में निपटारा किया जा सके और हिंदुओं को सभी पवित्र धर्मस्थल वापस मिल सके। इस्लाम का जो मूल जन्म स्थान है मक्का और मदीना, वहाँ पर भी वहाँ के जो धर्मगुरु हैं, जो मुख्य इमाम हैं, उनको भी काशी धर्म परिषद चिट्ठी लिख रहा है ताकि उनको ये बताया जा सके कि औरंगजेब ने इस्लाम के नाम पर किस तरह से पवित्र स्थानों को तोड़ दिया और हिंदुओं के पवित्र स्थानों को तोड़ करके वहाँ पर मस्जिद बना दी। क्या यह जायज है? उनसे भी पूछा जाएगा। दुनिया के सभी धर्मस्थलों के जो प्रमुख लोग हैं उनको भी चिट्ठी लिखी जा रही है। साथ ही हम पूजा का अधिकार तो मांग ही रहे हैं, साथ ही ये भी कह रहे हैं कि काशी में पवित्रता का सिद्धांत लागू हो। मांस मदिरा तो बंद हो ही, उसकी एक परिधि बनाई जाए, उसमें जो गैर हिंदू है वो प्रवेश न करे, क्योंकि हर धर्म में चाहे मक्का मदीना हो चाहे वेटिकन सिटी, वहाँ पवित्रता का सिद्धांत लागू है। तो ये सारी मांगें हम भारत सरकार से और माननीय अदालत से कर रहे हैं ताकि हमारी ये मांगें पूरी हो और हिंदुओं के पवित्र मौलिक अधिकार, जो पूजा करने का मौलिक अधिकार है, वो हिंदुओं को मिले ताकि हम वहाँ जाकर जल जलाभिषेक कर सकें, अपने भगवान का दर्शन कर सकें, अपने भगवान की पूजा अर्चना कर सकें। आज क्या रहा यहाँ पर और क्या प्रस्ताव मुख्य बिंदुओं के साथ पारित हुए? देखिए, प्रस्ताव तो वैसे 22 पारित हुए हैं, आपको कॉपी दी गई है, तो उसमें जो है हमारे संत समाज ने बैठ करके निर्णय लिया है कि हमको पूजा करने का अधिकार दिया जाए और उनकी जो नमाज पढ़ी जा रही है उसको तत्काल बंद किया जाए, क्योंकि ये एक तरह से शास्त्रों के हिसाब से भी और इतिहासकारों के हिसाब से भी और सर्वे की रिपोर्ट के हिसाब से भी वो आदि विश्वेश्वरनाथ शिवलिंग है जो प्राप्त हो चुका, जो अभी तक हिंदुओं को लोग रोके रहे, चाहे वो सरकारें पीछे की रोकी रहीं और चाहे किसी प्रकार से दबाव करके हम लोग शांत बैठे रहें, अब साबूत सब पेश आ चुके, तो माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा, कोर्ट के द्वारा या जैसे भी हमको वहाँ पूजा करने का आदेश दिया जाए, जिससे हम अपने आदि विश्वेश्वरनाथ को पूजा करें, क्योंकि जिस प्रकार से उनके साथ अभी तक अत्याचार हुआ हमारे इष्टदेव, अब हिंदू समाज के हृदय में बहुत जलन भरी हुई है, बहुत पीड़ा भरी हुई है, क्योंकि वहाँ पर हाथ धोया जाता रहा, पैर धोया जाता, थूकते रहे, तो ऐसी स्थिति में हमारे आराध्य की इतना बड़ा अपमान और जो तमाम मुसलमान लोग बैठ करके जो अपमान कर रहे हैं, कल एक मौलवी अपमान कर रहा था, ओवैसी अपमान कर रहा है, उन पर तत्काल कार्रवाई हो, FIR दर्ज हो, ऐसी कईयों बिंदुओं पर चर्चा हुई है, 22 बिंदु हैं आपको दी गई हैं। तो संत समाज ने शांतिपूर्वक ढंग से, हम किसी धर्म का अपमान नहीं करना चाहते हैं, हम किसी के धर्म के बारे में टिप्पणी और किसी के देवता की टिप्पणी नहीं करना चाहते हैं, हमारा धर्म है, हम अपने धर्म की रक्षा करने के लिए, अपने इष्टदेव की आराधना करने के लिए हम मांग कर रहे हैं कि कोर्ट हमको तत्काल पूजा अर्चना करने के लिए हमको वहाँ पर आदेश। गुरु जी, आप
आप लोगों ने यहाँ पर शांति प्रिय तरीके से काम करेंगे, कोर्ट पर हमें भरोसा है, न्यायालय पर भरोसा, लेकिन कल संतों का दूसरा धड़ा वहाँ पर जा रहा है जलाभिषेक करने के लिए, क्या संत समाज भी दो फाड़ हो गया? नहीं नहीं, संत दो फाड़ नहीं होता है अब, क्योंकि संत समाज वहाँ पर जा रहा है दर्शन प्रसन्न करने का, क्योंकि एक ही दिन, जरूरी नहीं कि सारे संत एक ही दिन चले जाएँ, काशी में हजारों संत हैं, काशी क्योंकि संतों की नगरी है, ऋषियों की नगरी है ये, और यहाँ पर महात्मा ज़्यादा विराजमान है, तो ऐसी बात नहीं है कि संत समाज एक ही दिन सब चला जाएगा। अरे जाएंगे, वो जा रहे, कल हम जाएंगे, परसों और जाएंगे, संत समाज में फाट नहीं है, जरूरी नहीं कि हम वहाँ पर हजारों की भीड़ ले जा करके वहाँ अराजकता फैलाएं, हमको दर्शन करना है वहाँ पर। अभी आप कोर्ट की बात करें, जब कोर्ट में मामला है तो संत वहाँ कैसे जाके चला? नहीं, दर्शन करने के लिए हमको क्या, क्यों, जब वो लोग नमाज पढ़ सकते हैं तो हमको दर्शन करने के लिए क्यों रोका जाएगा उनके भी तरफ से? तो अभी कोर्ट ने ऐसा नहीं कहा कि फुब्बारा है ये, ऐसा तो कोर्ट ने नहीं कहा, तो जब कोर्ट ने, जब उनको भी नहीं कहा कि फुब्बारा है, तो नमाज उनकी भी बंद कर दो भाई, उनकी नमाज क्यों करवा रहे हो? और जुम्मा के दिन आप देख रहे हैं हजारों की भीड़ इकट्ठा हो रही है, हम तो एक साथ नहीं जा रहे हैं, अगर काशी का संत समाज एक साथ वहाँ पर पहुँच जाए तो आप विचार करो ना कि फिर जुम्मा की नमाज से ज़्यादा लोग हो जाएंगे कि नहीं। तो अगर हमको वहाँ अराजकता फैलाना होता, वहाँ उन्माद फैलाना होता, वहाँ हमको पब्लिक दिखाना, भीड़ दिखाना होता, तो एक एक संत अगर आवाहन करता तो आप विचार करो कि कितनी पब्लिक वहाँ इकट्ठा हो सकती। ऐसा हम कुछ नहीं करना चाहते हैं, हम पूजा अर्चन की मांग करते हैं, संत लोग वहाँ जाएंगे पूजा अर्चन करने के लिए भगवान विश्वनाथ जी की, बाकी वहाँ कोई उन्माद करने के लिए नहीं जाएंगे वो लोग। तो बल्कि कोर्ट ने तो कहा 20 लोगों से ज़्यादा नहीं जाएंगे, लेकिन क्यों जा रहे हैं वहाँ 20 से ज़्यादा? आप लोग कब जाएंगे? हम जाएंगे, अभी तो हमने बैठक की है और इस पर प्रस्ताव पारित किए हैं, इसके बाद अभी सभाएं होंगी, धीरे धीरे जागृति ले आ रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, क्योंकि हम नहीं चाहते हैं कि किसी प्रकार का कोई भी बनारस शहर अशांत हो, शांतिपूर्वक ढंग से कोशिश करेंगे, मौलवियों से बात करने की कोशिश करेंगे कि भाई किसी प्रकार से शांतिपूर्वक ढंग से हमारा जो चीज़ है हमको आप वापस कर दो। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया पोस्ट न्यूज़।